ओके अब देखें, यहाँ तक हमने इसकी पार्ट नंबर टू बेसिकली हमने कहाँ एंड किया था? ये एंड किया था पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, रेवेन्यू माइनस दिस वन, दैट इज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब मैंने आर ऑफ एक्स जो फाइंड किया था आपको याद है, सो इट विल बी इक्वल टू -0.01 x² +400 x, एंड द सेकेंड वैल्यू इज द सी एक्स। सी एक्स इज गिवन टू मी दिस, जस्ट मैंने माइनस करना है, यानी कि आर एफ एक्स जिस वैल्यू को माइनस करना है 100 x माइनस 100 x +1 10,000, सो माई वैल्यू ऑफ पी एक्स विल बी दिस। ठीक हो गया, एनी एक कंफ्यूजन? सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक 0.01 x पी ऑफ एक्स इज प्लस बेसिकली द प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल्स टू, मैं दोबारा बताता हूँ, आर एफ एक्स इज माय रेवेन्यू माइनस सी ऑफ एक्स। सी ऑफ एक्स इज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और जो स्मॉल पी था, स्मॉल पी छोटा जो, वो है बेसिकली कि जो हम किस सेल कर रहे हैं सिस्टम में। यूनिट कहाँ से आया? जी, इसमें पी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स की फिर वैल्यू है प्लस -0.01 x² +400, ये तो ठीक है ना। इसको माइनस करना है, इस वैल्यू को माइनस करेंगे 100 x प्लस ओ अच्छा, माइनस करना है सी ऑफ एक्स से। ठीक है, ओके ओके। कीजिए। ये प्रॉफिट का है ना, इसलिए आर एफ एक्स। ठीक हो गया। ओके ओके, अब मैंने क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट व्हेन 1000 गेम्स। तो 10,000 गेम्स के लिए क्या होगा, पी डॉट 1000, इज बेसिकली डॉट इज बेसिकली बी माय, ये वो है, जो कि इवैल्यूएटिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट। यस, बिल्कुल। एक सेकंड में मोबाइल पे। अच्छा, दिस इज दिस वन, सो लिमिट मेरे पास आ जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 10,000, एग्जैक्टली पी ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ व्हाट 10,000 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 10,000। ठीक हो गया। तो सिंपली पी ऑफ एक्स की वैल्यू डालनी है दिस वन। अब पी ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब मैंने पी ऑफ इसके अंदर 10,000 x की जगह 10,000 प्लेस करना है, तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है, ये 1 लाख नहीं, 19,90,000, इट इज अबाउट 1.99 मिलियन। ओके, सो इसके बाद से सॉल्व करना है, और इसमें सिंपली एक्स की वैल्यू रिप्लेस करती है, दैट इज बाय 10,000। इसका जो लास्ट है पी ऑफ 10,000 ग्रेटर देन 0, पी ऑफ 10,000 ग्रेटर देन, ये समझाइए कि क्या चीज है ये। अच्छा, सेंस बेसिकली जो रेट ऑफ प्रॉफिट है ना, रेट ऑफ प्रॉफिट कह रहा है कि रेट ऑफ प्रॉफिट, दिस इज बेसिकली चेंज ऑफ रेट ऑफ प्रॉफिट, चेंज ऑफ रेट ऑफ प्रॉफिट दैट इज 10,000। हाँ बिल्कुल, शुड द टॉय कंपनी इंक्रीज और बिल्कुल, ये ग्रेटर देन जीरो वैल्यू आई। आप कैसे पता चले, क्योंकि आपकी वैल्यू कितनी है, 100 है। जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसका मतलब है कंपनी किस में है, द कंपनी शुड इंक्रीज प्रोडक्शन, और कंपनी रेट ऑफ चेंज क्या है, बेसिकली प्रॉफिट पे आ रही है। समझ आ गई? अगेन, जब पी डैश यानी कि डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो कंपनी प्रॉफिट में होगी। और सेकंड पॉइंट ये है कि कंपनी में को अपनी जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना चाहिए, टू इंक्रीज द कंपनी प्रॉफिट। सही इट क्लियर? एंड डाउट?
दोबारा रिपीट कर लें, एक एक ये जो वो जो पी लास्ट ऑफ पॉइंट है, कैश। पी ऑफ 10,000 इट इज ग्रेटर देन जीरो, जो कि वैल्यू आ रही है 100। सो इसका मतलब ये हुआ पहली चीज कि कंपनी का क्या है, प्रॉफिट में है। एंड सेकंड इज कंपनी शुड इंक्रीज प्रोडक्शन, शुड इंक्रीज प्रोडक्शन। सही हो गया। अब क्लियर है हर चीज? अच्छा, ये है कि इंक्रीज प्रोडक्शन, तो इसका आंसर ये होगा 10,000 ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, ये समझ आ गई। जी बस ये है कि बस इफ द कम हमारा आंसर ये आया है, प्रॉफिट ओनली बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट इट्स इंक्रीजिंग, बिल्कुल बस ये समझना है ना, राइट? बिल्कुल। अब समझ आ गई आपको? जी अच्छा मदर ठीक का है। ड्यूटी। अब दी नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज माय 3.2, द डेरिवेटिव एज अ फंक्शन। अब डेरिवेटिव फंक्शन बेसिकली सेम है, जो कि बेसिकली जो हमने सेकंड इक्वेशन पढ़ी थी अबाउट एक्स अप्रोचेस टू 0, सो एफ एच एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो लेट एफ बी अ फंक्शन, द डेरिवेटिव फंक्शन एफ, सो एफ स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इज द फैक्ट फंक्शन हुज डोमेन कंसिस्ट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ एक्स व्हिच इज एग्जिस्टिंग इन दिस लिमिट। तो वो वैल्यूज बेसिकली हम इसे कहते हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फंक्शन। ठीक है, सिंपली जो हमने पहले पढ़ी हैं चीजें वही हैं इतना इसमें। सो लेट अस से अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट ए। इफ एफ, अगर हम कहेंगे अगर ये डिफरेंशिएशन हो सकती है ए पे, तो इसका मतलब ये है कि एफ डैश ऑफ ए एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है इसे हम कहेंगे डिफरेंशिएबल एट ए। ठीक है, सो मोर जनरली अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल ऑन एक्स। एक्स पे जब कब होगा? जब एफ डॉट एक्स एस जो है वो बेसिकली मेरे पास एग्जिस्ट करेगा और कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो ये कॉमन वैल्यूज, कॉमन चीजें हैं कि कोई भी पॉइंट डिफरेंशिएबल कब होगा, जब उसका डेरिवेटिव लूंगा उस डेरिवेटिव की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो जीरो या इन्फिनिटी नहीं होगी। अच्छा जी, अब इन्हें डेरिवेटिव फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ठीक हो गया। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। सो मुझे पता है कि मैंने लिमिट क्या होती है। मैं अगेन लिखता हूँ, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि मैंने डेरिवेटिव फाइंड करना है। सॉरी, अंडर इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकंड जस्ट इसको मैं रेस करूँ, दिस वन। अगेन देखें, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपके पास एक्स प्लस एच, अब आपने एक्स प्लस एच देखना है, आपके पास एफ ऑफ एक्स, आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स, एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है मेरे पास, अंडर रूट एक्स प्लस एच। ठीक हो गया। अब आपने इन्हें डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्टली आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एंड एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स होल डिवाइड बाय एच। ठीक हो गया, ये पहली वैल्यू आ गई। अब आपने इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर में आप देखो वैल्यू नहीं निकल सकती, और अंडर रूट है, अंडर रूट, अंडर रूट जब आ जाए, अंडर रूट को बोलते हैं सर्ड्स, SURDS, सर्ड्स मैथ में। जब अंडर रूट आ जाए मेरे पास नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर में,
तो हम उसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज का मतलब ये होता है कि जो उसकी अंडर रूट के साथ जो वैल्यू यहाँ पे माइनस है उसको इन्वर्स कर देंगे, प्लस कर देंगे, और उस वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक हो क्या? इसे कहते हैं रेशनलाइजेशन। इसको रेशनलाइज करने के लिए हमें क्यों बेसिकली ज़रूरत है? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा, ये तो पता है ना आपको रेशनलाइज का हम, जी, पता है। बिल्कुल ठीक हो गया। ऊपर क्या होगा, ऊपर हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कि ये हो जाएगा एक्स प्लस एच, यानी कि स्केयर अंडर रूट से ख़त्म हो जाएगा, एंड माइनस ऑफ एक्स, एक्स एक्स से ख़त्म, तो ऊपर आ गई एच की वैल्यू और नीचे एच डिवाइड बाई दिस वन। ठीक हो गया। अब एच और एच कैंसिल हो जाएगा और वन अपॉन दिस वन। अब मैं एच की वैल्यू जीरो डालूंगा, जीरो, तो ये हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, तो हो जाएगा वन अपॉन वन डिवाइडेड बाय टू अंडर रूट एक्स। अच्छा ठीक है सर, एक क्वेश्चन ये है कि आपने ये जो एच एच लाया है तो ये मल्टीप्लाई करके स्क्वायर हो जाएगा कौन सा नॉमिनेटर में अब्दुल रहमान, नहीं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर एक्स प्लस एच इंटू ये वाला, एक्स प्लस एच स्क्वायर होगा। ये वाला। हाँ जी अच्छा, ये बेसिकली देखें ना, ये अब दो वैल्यूज हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, तो यहाँ पे ए माइनस बी, और यहाँ देखें क्या, ए प्लस बी, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये स्केयर और अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो फिर माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स। सही 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 सही। ओके, जी जी और फिर सर एक और चेक के दिखाइए जरा। देखें देखें, सॉल्व अच्छा सही सही समझ आ गई, समझ आ गई सॉल्व करें साथ में या बाद में सॉल्व करते हैं? सर, मैं अभी बाद में करूँगा, अभी हाँ तो अभी थक गया समझ लें, हाँ अभी थोड़ा। समझ लें, बिल्कुल अभी समझ लें। आपके पास एक्स स्क्वायर जी, बस माइनस टू एक्स। अब देखें ये थोड़ा सा ट्रिकी है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, यानी कि थोड़ा सा बड़ा होगा, तो आपको पता है कि मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। अब है एफ एक्स प्लस एच, यानी कि जहां जहां एक्स की वैल्यू है वहां पे एच प्लस हो जाएगा, तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स, यहाँ पे भी है तो एक्स प्लस एच हो जाएगा। जी, ठीक हो क्या? हाँ जी यानी कि जी आपका जी एफ ऑफ एक्स और ये वैल्यू होगी। तो आपको ये भी पता है कि जो फंक्शन जब डेरिवेटिव लेते हैं तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, अगर लिमिट नहीं गिवन तो एच अप्रोचेस टू जीरो सिंपली, ठीक है, जहाँ पहले एक्स एक्स अप्रोचेस टू जीरो होता था, तो इट विल बी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई द वैल्यू एच। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने ये वाली वैल्यू प्लेस करनी है, कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है। ठीक हो गया, क्योंकि एक्स प्लस एच है, और दोबारा बताइए सर। एफ एक्स प्लस एच में बेसिकली ये वाली वैल्यू जो मैंने फाइंड की है एक्स प्लस एच स्क्वेयर माइनस टू, ये यहाँ पुट करनी है एफ एक्स, और माइनस देन अ माइनस फार्मूला, देन एफ ऑफ एक्स में आपने जो गिवन है आपको एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक हो गया या नहीं? ठीक, सॉरी, देख लेते हैं टाइम, ठीक है टाइम। हाँ जी सही है। फिर इसको सिंपली हमने क्या करना है, एलेबोरेट करना है बाय हाँ ये थोड़ा यूजिंग, कंफ्यूजिंग है वो है ना? फर्स्ट स्टेप बिल्कुल, थोड़ा सा आपने जी, इस पे प्रैक्टिस करनी वो है सर वो ना? जी वो आराम से बैठ के यूट्यूब देख के करते हैं हाँ, आराम आराम से से। पॉज करके बार बार, इसलिए मैं आपके लिए इजी हो जाएगा, तो चीजें जो हैं बार बार आप देखें उसे, बार बार करें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास तक। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कोई मसला हो मुझे बताएं। सर अलहमदुल्ला ठीक। ओके, सो सिर्फ आपने क्या करना है, आगे से यहाँ पे मैं से उसे रेज कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाना है, इट विल बी ए प्लस बी होल स्केयर, सो यहाँ पे स्केयर का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर, अब माइनस टू एच हो जाएगा,
एंड दैट्स ये फिर माइनस सिंप्लीफाई, ये यानी कि मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब यहाँ देखें कौन कौन सी पैरामीटर खत्म हो गए, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ खत्म, क्या हुआ ये जी? इसके साथ खत्म, आउटपुट बच जाएगा ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसको क्या डिवाइड बाय एच। अब यहाँ एच कॉमन, एच कॉमन ले लेंगे आप, ये एच और एच कैंसिल हो जाएगा, और टेकिंग एच की जगह जीरो ले लेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी टू सही एक्स माइनस टू। है। हाँ ठीक हो गया, द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट नंबर। अच्छा अच्छा वी शुड आल्सो वेरीफाई, ओके ओके ओके, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं एक और चीज के साथ। आपने डेरिवेटिव्स पढ़े होंगे, ये तो लिमिट्स के साथ है ना। अब जब डेरिवेटिव लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, बिकॉज इट इज द वैल्यू ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये वाई होता है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पावर रूट टू नीचे उतर जाएगा, तो टू एक्स माइनस टू, यानी कि इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ये आता है। और ये मैंने प्रूव कर दिया कि विद लिमिट्स मेरा जो मेरी जो आंसर है वो टू एक्स माइनस टू है, और विद डायरेक्ट फार्मूला डेरिवेटिव के फार्मूले लगा के मेरे पास आंसर ये आ रहा है। ठीक हो गया, सर क्या फायदा है, क्यों क्यों करने का ये सब, जब आराम आपने, से डी हाँ वाई जब बाय डी आपने, हाँ जब एक्स आपने लिमिट्स का कहा जाएगा तो आपने इसको फॉलो करना है, इस तरह करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जब आपको फॉर्मूला का कहा होगा सर तो एमसीक्यूज है इधर, एमसीक्यूज चलो फिर ठीक है, फिर ठीक है, तो ये आपको सब पता हो। ठीक हो गया, तो एमसीक्यूज के अंदर भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो कि इरिटेट करती हैं, तो जी बताओ। ठीक हो गया। तो यहाँ तक कोई सवाल हो, नहीं सर, गोइंग गुड, एवरीथिंग इज गुड, यस सर, इजी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके 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 ओके, बस ये डेरिवेटिव के पास। अच्छा ग्राफिंग, अच्छा ग्राफिंग और डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, किनेटिक्स से मेरे पास कोई कोई वैल्यू है, ठीक है, हम उस पर क्या कंपेयर करते हैं, जैसा सिंपली मेरे पास फंक्शन है, कोई दो वैल्यूज है, एक एफ ऑफ एक्स है अंडर रूट एक्स और एक वन अपॉन अंडर रूट टू एक्स है। ठीक हो गया, तो हम अंडर रूट एक्स का कॉलम बना लेंगे, उसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू, से मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो मेरा इसकी इसका वैल्यू भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। फिर एक्स की वैल्यू आप 1 डालें तो क्या आएगा, तो आपने क्या कंपेयर कर लेना है, आपने दो वैल्यू को कंपेयर कर लेना है, विच इज वाई एंड विच इज एक्स। ठीक हो गया, समझ आ गई इस पॉइंट की। सर तो एज एफ ऑफ एक्स इक्वल, अगेन मैं लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, लेट अस से, तो एफ ऑफ एक्स बेसिकली ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन, तो आप एक्स की वैल्यू एक कॉलम बना लेंगे ऐसे, ठीक है, एक में एक्स की वैल्यू लिख लेंगे, एक्स की वैल्यू से 0 लिखते हैं तो आपकी वैल्यू वाई की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 0 पुट करेंगे, आफ्टर जो वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी। फिर आप पॉइंट्स ड्रॉ कर लेना, और एक आपके पास एक रफली एक स्केच बन जाता है जिसे हम ग्राफ ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, दिस इज इजी, बस आपको, आपने अगर कर आता है तो इट्स नॉट अ बिग थिंग, यू नो आए तो आपने सबने कराया नहीं है तो ये बहुत आसान है। ठीक हो गया, अच्छा जी, ग्राफ का, बस एक ग्राफ क्यों मस्त होता है, ग्राफ कैसे बनाने, वो बस इन्फिनिटी, वो सब आपने बताया था ना, इन्फिनिटी जब होता है तो ऐसे कर्व टाइप का ग्राफ जो स्क्वायर होता है, पैराबोला होता पैराबोलिक हाइपरबोलिक एलिप्स, अच्छा स्केचिंग नाउ ये एग्जांपल कर लेते, स्केचिंग डेरिवेटिव यूजिंग अ फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव को हमने स्केच करना है यूजिंग अ फंक्शन, यूज द फॉलोइंग ग्राफ टू स्केच अ डेरिवेटिव हो गया। अब ये आप गिवन क्या है, फंक्शन का ग्राफ गिवन है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, कोई भी वैल्यू जो आपको गिवन होती है, ठीक है, लेट अस से फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैं एग्जांपल दे रहा हूं 2x² प्लस 2x इस तरह को गिवन है, लेट सी, तो आपने एफ डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स यानी कि उसका फंक्शन का डेरिवेटिव का ग्राफ बनाना है, तो हाउ टू डू इट,
फर्स्ट थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन. ओके ऑब्जर्व करना है दैट एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग एंड क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है सबसे पहले चीज से देखना है आपको. तो कैसे आपको पता चलेगा अगर उसका डेरिवेटिव, अगर उसका डेरिवेटिव जीरो से बड़ा है ठीक है तो वो इंक्रीजिंग होगा. ठीक है क्या इस चीज को पता चल गया नहीं पता चला. रिपीट कीजिए. अगर फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से बड़ा है ग्रेटर देन जीरो है तो मेरा फंक्शन जो है जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो इंक्रीजिंग होगी. ठीक अगर डेरिवेटिव जीरो जीरो से छोटा है तो वो क्या होगा फंक्शन इज डिक्रीजिंग. ओके ये बात समझ आ गई आपको. ओके अच्छा इसमें कोई कंफ्यूजन हो ठीक हो गया. अच्छा अब आप देखें कि पहली वैल्यू जो है इसकी पीक की वैल्यू देखनी है. अब आप कहते हैं चलो आपको वैल्यू कैसे समझ आए आपने इस पीक पे देखना है वैल्यू. तो इस पीक की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली -2 है और इस पीक पे जो वैल्यू है वो 3 है. यानी कि मेरे पॉइंट्स क्या है -2, 3 ठीक है. यानी कि पहले क्या वैल्यू है -2 है फिर 3 है. इसका मतलब है जो स्टार्टिंग में माइनस है और फिर 3 है यानी कि ये इंक्रीज कर रहा है फंक्शन. ठीक हो गया तो यहाँ तक समझ आ गया नहीं आई. हाँ आ गई सर. ओके 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 तो मेरे जो दो पॉइंट बनेंगे वो ऐसे बनेंगे एक पॉइंट आ जाएगा -3 पे और एक आ जाएगा 3 पे. सबसे पहले तो ये ड्रॉ करना कहाँ से ड्रॉ करेंगे पीक से ड्रॉ करेंगे नीचे लेके आएंगे. आल्सो बता रहे आल्सो एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग तब होगा जब एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी ठीक है जो मैंने आपको पहले बता दिया है. अब उसके डोमेन्स क्या होंगे. यस उसके डोमेन्स क्या यानी कि ये देखें बस ये जो यहाँ से लेके ये जो रीजन है ये डेरिवेटिव क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है ठीक है इंक्रीजिंग है. अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करता हूँ तो डिक्रीजिंग कहाँ से होगा ये इंफिनिटी तक जा रहे हैं नेगेटिव इंफिनिटी तक. तो -2 से लेके -∞ तक जो है ये क्या होगा डिक्रीजिंग ग्राफ होगा. सो -∞ to -2 क्या होगा डिक्रीजिंग होगा. समझ आ गई ये सब. अच्छा बस ठीक है. आल्सो नोट दैट एफ ऑफ एक्स हैज अ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एट -2. ये मुझे पता चल गया हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है -2 एंड दिस वन. सो एफ डेरिवेटिव ऑफ -2 एंड -3 को फाइंड कर लेंगे और मेरे पास एक जनरल वैल्यू आ जाएगी. ठीक हो गया तो लेट अस से हमने एस्टिमेट करना है ग्राफ. यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे होगा -2 पे होगा और एक 3 पे होगा. ठीक हो गया आपने क्या करना है -2 और -3 इसका मिड पॉइंट क्या कहाँ बनता है -2 और 3 इसके दरमियान डिफरेंस कितने का आता है 5 का डिफरेंस है. तो इसका मतलब है कि इसका जो मिड पॉइंट बनता है वो 0.5 बनता है. ऐसी बात है ये चीज समझ आ गई. तो 0.5 इज माय तो 0.5 पे एक पीक पॉइंट लेके आपने एक कर्व इस तरह बना लेनी एक कर्व इस तरह और इसको आगे तक एक्सटेंड कर देना. ठीक हो गया. ये आपको एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है बस जो पॉइंट मैंने बताया एग्जैक्ट वो एग्जैक्ट होनी चाहिए बाकी थोड़ी बहुत ही लाइन आगे पीछे हो जाए शॉर्ट ऑफ की. अच्छा डेरिवेटिव एंड कॉन्टिन्यूटी. ओके डेरिवेटिव एंड कॉन्टिन्यूटी इज द नेक्स्ट टॉपिक और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है क्योंकि वो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा. ये चीज़ें आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है और कल का मैं आपको आपको बताता हूँ कि कल किस टाइम आना है. लेट्स से